नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की राजनीति में अब एक बहुत ही बड़ी चीज़ चल रही है, बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ चल रही है, बीमारी। दरअसल आपको पता है दोस्तों कि पिछले महीने 21 मार्च को दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, वो जेल में हैं। अब दोस्तों, ये जो खबर चल रही है कि केजरीवाल जी को इंसुलिन नहीं दी जा रही है, इंसुलिन नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में, उनकी जो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ रहा है, तो इससे उनके दूसरे ऑर्गन को डैमेज पहुंच सकता है। इस तो उसका उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही, इसके लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। दोस्तों, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है भारत के लिए कि इंसुलिन यानी कि चिकित्सा के लिए भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। ये तो एक तरफ की बात हो गई, दूसरे साइड की बात समझेंगे कि एक्चुअली है क्या। आइए दोस्तों, पूरा खबर सारी डिटेल में समझते हैं कि बात ये है क्या और ये सारी बातें हो कैसे रही हैं। दोस्तों, दरअसल शराब घोटाले से रिलेटेड केस था जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ा। वो जेल में चले गए, जब जेल में ले जाए गए उससे पहले उनका मेडिकल कराया गया, और मेडिकल जब कराया गया उस वक्त ये पता था सभी लोगों को कि उनको डायबिटिक पेशेंट हैं, वो डायबिटीज़ है उन्हें, और टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 1 तो बहुत ही ख़तरनाक होती, इनको टाइप 2 डायबिटीज़ है। और उस वक्त इन्होंने ये बोला था कि अभी ये इनको इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इन्होंने उस वक्त बोला था। और फिर इनको ले जाया गया जेल में, और इनको जैसा जेल का अंदर मेडिकल वगैरह होता है वो सारी इनको सुविधाएं दी जा रही हैं, और वहां का जो रूटीन होता है उसको फॉलो किया जा रहा है, और इनके घर से खाना आता है। कोर्ट ने इनको अनुमति दी थी ये घर से खाना खा सकते हैं मंगा कर। तो दोस्तों, अब ये घर से खाना मंगा रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी जब ये केस पहुंचा है कोर्ट के पास, तो वहां पर ये पता लगा कि ये जो घर से खाना मंगा रहे हैं उस खाने में आम हैं, फ्राइड चीज़ें हैं, पूड़ी है, लड्डू है यानी कि स्वीट, ये सारी चीज़ें ये खा पी रहे हैं। तो अगर दोस्तों डायबिटिक पेशेंट अगर इस तरह की चीज़ें खाएगा तो उसका तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ये तो होना ही है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जैसे कि इनके एक स्पोक्स पर्सन है सौरभ भारद्वाज और दूसरी आतिशी हैं, ये मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार में, दोस्तों इनका ये कहना है कि जेल प्रशासन इनकी जान लेना चाहता है। दरअसल जेल प्रशासन क्या, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की जान लेना चाहती है। वो अभी इनको इंसुलिन नहीं दे रही है, और जिससे की वजह से इनके कुछ ऑर्गन जो दूसरे हैं वो डैमेज हो जाएंगे, और ये जब जेल से बाहर आएंगे तो उससे 2-4 महीने 5 महीने बाद इनकी मृत्यु हो जाए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी चाहती है, ये आरोप है आम आदमी पार्टी के नेताओं का। दोस्तों, अब दूसरी तरफ की बात समझते हैं, अब जब इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है तो क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसकी भी रीजन है। इसका पूछा गया दिल्ली के जो राज्यपाल हैं, LG उपराज्यपाल जी, उन्होंने रिपोर्ट मांगी जेल प्रशासन से, जेल प्रशासन ने रिपोर्ट अपनी सौंपी, और उसमें साफ बताया गया कि इनको ऐसी अभी कोई इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, इनका जो डायबिटीज जो अभी नापी गई है वो अंडर कंट्रोल है, यानी कि 200-220 ऐसे ही है वो, मतलब इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं है इनको। जबकि आम आदमी पार्टी ने इनका जांच जारी करी शुगर लेवल, तो उन्होंने बताया कि इनको तो शुगर लेवल 300 के आसपास है, और जब 300 के आसपास होता है तो उस पर्सन को इंसुलिन दिया जाना चाहिए। दोस्तों, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। अब बात आई कि अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त कैसे कह दिया था, जिस वक्त इनका मेडिकल कराया जा रहा था जेल ले जाते वक्त, कि मैं इंसुलिन नहीं लेता हूँ। दरअसल दोस्तों, तेलंगाना में एक प्राइवेट डॉक्टर से अरविंद केजरीवाल जी अपना इलाज करवा रहे थे, और उनका इलाज इनका सफलतापूर्वक चल रहा था। अब इलाज में वो डॉक्टर इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम पे काम कर रहे थे,
मतलब अब इनको इंसुलिन छूट गई थी, अब वो इंसुलिन से दूर हट रहे थे और ये ठीक हो रहे थे पूरी तरीके से, मतलब इनकी हालत में सुधार था, इनकी जो डायबिटीज़ थी वो ठीक हो रही थी, इंसुलिन नहीं ले रहे थे। तो दोस्तों वही सिचुएशन अभी भी थी, इंसुलिन इनको नहीं दी जा रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने घर से स्वीट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें खा ली, जिनकी वजह से मीठी चीज़ें आम वगैरह, जिसकी वजह से इनका शुगर लेवल बढ़ गया, ऐसा इनका कहना है। तो दोस्तों इन आम आदमी पार्टी ने एक गुहार लगाई जेल प्रशासन से कि इनके जो डॉक्टर हैं उनसे इनकी वीडियो कॉलिंग करवा दीजिए, ताकि ये अपनी कंसल्टेंसी उनसे ले सकें, कंसल्टेंसी ले सकें और पता लगा सकें कि भाई कैसे ये ठीक होगा, क्योंकि उनका इलाज चल रहा है। जेल प्रशासन का कहना है कि ये हमारा रूल 2022 में बदल चुका है, तो किसी भी तरह का बाहरी इलाज, प्राइवेट इलाज नहीं कराया जा सकता, जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके ही द्वारा इनका इलाज होगा। दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा समझना चाहिए, जेल प्रशासन को क्या मालूम कि इनकी कैसी दवाई पहले चल रही थी, क्या है। कोई अगर डॉक्टर पहले से इलाज कर रहा है तो उसको दिखाने में क्या बुराई है, वीडियो कॉलिंग ही तो करनी है, कोई अरविंद केजरीवाल वहाँ जाएंगे नहीं। और याद रहे अरविंद केजरीवाल आम आदमी नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री हैं, एक स्टेट की जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, वो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि कोर्ट ने भी तो उनको कुछ स्पेशल माना, तभी तो कोर्ट ने बोला कि नहीं ठीक है आप घर से खाना खा सकते हैं। क्या दूसरे कैदियों के लिए ऐसी सुविधा है कि वो घर से अपनी खाना खा सकें? कोर्ट ने उनको जब मान लिया कि नहीं भाई ये आम आदमी नहीं है, कुछ स्पेशल है, ही समथिंग स्पेशल, अगर कुछ अलग हैं तो उनको थोड़ा सा लिबर्टी और दे दो, जिस डॉक्टर से इलाज चल रहा है उससे इलाज करवा दो, इलाज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही तो मांग रहे हैं इलाज, पता लग जाएगा, वो बता देंगे कि भाई मैं ये दवाइयाँ चला रहा था, अभी इनको ऐसे दवाई से कर लो, वो चीज़ें उनको दे दो उसी के अकॉर्डिंग, आप भी तो इलाज ही कर रहे हो मेडिकल प्रशासन। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और ये मुद्दा सोचिए दोस्तों, कोर्ट पहुंच चुका है कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दी जाए, अब हालांकि इसकी सुनवाई अभी कल होगी सोमवार को, लेकिन कितनी दुखद चीज़ है। अच्छा दोस्तों थोड़ा सा समझते हैं कि इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती क्यों है। दरअसल दोस्तों क्या होता है कि ब्लड का जो शुगर होता है ब्लड में, ये शुगर जाता है सेल्स के अंदर, और वो सेल्स के अंदर तक पहुँचाने का काम करता है इंसुलिन, ये पैनक्रियाज जनरेट करती हैं इंसुलिन को। तो टाइप टू जो शुगर होती है उसमें यही होता है कि इंसुलिन को दे दिया जाता है पेशेंट को, और उसके वजह से ब्लड से शुगर निकल करके सेल में चला जाता है। और अभी क्या इंसुलिन दी नहीं जा रही है, तो इनके ब्लड में ही शुगर रह जा रहा है, वो सेल्स में जा नहीं रहा है, इससे इनका शुगर लेवल बढ़ रहा है। एनर्जी सेल्स को जब शुगर चला जाता है तो उसको एनर्जी मिल जाती है। अच्छा टाइप वन जो डायबिटीज़ होती है उसमें दोस्तों क्या होता है कि जो पैनक्रियाज होती है वो ही ख़त्म हो जाती है, तो इसकी वजह से वो इंसुलिन जनरेट ही नहीं हो सकता फिर, तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। ये मेरी छोटी सी समझ थी, मैंने सोचा आपको बता देना चाहिए। दोस्तों अगर कहीं कुछ गलत हो तो आप मुझे ज़रूर सुधार इसमें करिए, मेरी नॉलेज और बढ़ाइए। तो दोस्तों ये कुछ मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि दोनों पक्ष में क्या ऐसा है। मेरी अपनी समझ कहती है कि अरविंद केजरीवाल को इलाज मिल जाना चाहिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, जांच होती रहे, जेल में हैं वो जेल में रहें, ठीक है। इससे क्या होता है, एक और भी नुकसान है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को सिंपैथी मिल जाएगी लोगों की, और सिंपैथी मिलने की वजह से उनको फिर वोट भी मिलेंगे, अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, वोट भी मिलेंगे। आप दोस्तों ऐसा देखिए, पिछले 3-4 दिनों से जितना मीडिया में अरविंद केजरीवाल जी के बारे में चर्चा हो रही है, क्या राहुल गांधी के बारे में चर्चा हो रही है? नहीं हो रही है, जबकि मेन विपक्षी नेता राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस के नेता, वहाँ तो कोई न्यूज ऐसी नहीं है, सारा फोकस अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर है, और जबकि अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं। सोचिए जब जेल में तब इतनी चर्चा उनके बारे में, और इलेक्शन चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि सब कोई दूसरी चीज़ें नहीं है तो चलो अरविंद केजरीवाल की न्यूज़ पे लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इन सब चीज़ों को भी देखना चाहिए, और जो इलाज की चीज़ें हैं वो उनको देना चाहिए। ये
कोर्ट मान रही है तो हमें मानने में क्या बुराई है। कोर्ट ने मान लिया कि भाई उनको घर से खाना दे दो, तो जब घर का खाना अलाउ है तो थोड़ा सा इलाज के लिए भी करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के पास टीवी का एक्सेस है, क्या दूसरे कैदियों को होता है? नहीं होता है। तो जब दूसरे कैदियों को सुविधा से इनको अलग सुविधा दी जा रही है तो इलाज के लिए में क्या दिक्कत है, वो भी करा दो। दोस्तों अब इस पर कुछ और अगर अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।